कल है पांडव निर्जला एकादशी। यस, तो एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद इट इज नोन एज भीम निर्जला एकादशी। इसका नाम भीम निर्जला एकादशी इसलिए है, रीजन बिंग ये वाली एकादशी जो है इवन भीम जी को भी रखनी होती है, बाकी एकादशी उनको एक्सेप्ट किया हुआ है, रीजन में उनके पेट में जठराग्नि का मूल स्रोत है, तो दैट्स व्हाई ही फील्स वेरी वेरी हंग्री। लेकिन एक एकादशी है जो कि भीमसेन भी रखते हैं और वो है भीम निर्जला एकादशी, इसलिए इसका नाम भीम निर्जला एकादशी भी है। तो भक्त ने बोला श्री प्रभुपाद सो भीम निर्जला एकादशी के दिन सो हमें क्या कंप्लीट फास्ट रखना चाहिए? प्रभुपाद जी ने बोला वेल भीम और अर्जुन यू मस्ट फास्ट, तो व्रत तो जी हमें रखना है। तो भीमसेन भी इस व्रत को रखते हैं। ये पर्टिकुलर एकादशी जो है ये बहुत शक्तिशाली एकादशी है, इसके अंदर बाकी सारी एकादशी में जितनी शक्ति है कलेक्टिव शक्ति है इस एकादशी के अंदर। लेकिन अब इस एकादशी को भला रखना कैसे है? डिवोटी वेरी नर्वस, निर्जला 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 ओ निर्जला, ये जो निर्जला शब्द है माई गॉड, इसी में हम इतने जल जाते हैं। तो निर्जला बिना जल के ये एकादशी करनी है, तो कैसे की जाए? वैसे बेस्ट है, देखिए अगर आप इसको निर्जला ही करें तो बेस्ट है, आपकी बॉडी खराब है कलयुग में, शरीर हमारे इतने बढ़िया क्वालिटी के हैं, तो अगर आपको दिक्कत है देन लाइक स्टोन की दिक्कत है या इन केस यू आर ऑन मेडिकेशन तो आपको कुछ खाना ही पड़ता है, अगर कुछ ऐसा है आपकी ओल्ड एज है देन इट इज अंडरस्टूड, अदरवाइज पूरा प्रयास करना चाहिए दैट वी शुड डू निर्जला एकादशी, दैट मीन वी शुड नॉट इवन सिप अ ड्रॉप ऑफ वाटर। इवन चरणामृत जो आप लेंगे चरणा में उतना लीजिए कि बस एक हल्का सा, ये नहीं कि चरणा में और डाल चरणा में निपटा दो आज पूरी गायब, चरणा में भी एक बूंद, ठीक है एक बूंद भी इतने जितने में कि एक जौ का दाना भीग जाए बस उतना, तो इसलिए बस अदरवाइज वी हैव टू फास्ट कंप्लीटली। तो निर्जला एकादशी, अब निर्जला एकादशी में शाम को हमारा आज जो सूर्यास्त हो रहा है वो 7:18 पे हो रहा है, तो 7:18 के बाद आपको अन्न बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप अन्न खाते हैं और आप सुबह भी आप उठेंगे निर्जला एकादशी के दिन तो आप राजमा चावल के आप डकार ले रहे होंगे, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि मैंने खाया आज नहीं, बिल्कुल खाया था तो भाई साहब कितने बजे खाया था? मैं 7:18 के बाद नहीं, 7:18 से पहले जो खाना है पीना है करना है, उसके बाद खाना पीना नहीं है, पानी भी अगर पी सकते हैं नो डाउट, पानी आप मंगल आरती के पहले तक पी सकते हैं, ठीक है जी, बेस्ट है उसके अंदर सिर्फ पानी मत पीजिए, उसमें पीजिए ORS सॉल्यूशन, ओवरऑल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, उससे क्या बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, अगले दिन आपको प्यास थोड़ी कम लगती है। तो इसलिए मंगल आरती के पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त के पहले 4 बजे से पहले आप पानी पीजिए, पानी भी कौन सा वाला? ORS सॉल्यूशन, ORS सॉल्यूशन आपको पीना है मंगल आरती मतलब 4 बजे से पहले पहले, तो उसे देन यू फील हाइड्रेटेड, ठीक है जी। और जितना ज्यादा सोचते रहेंगे ना क्या होगा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं जल गया तो, अगर मैं भस्म हो गया तो, अगर मैं जल गया तो, अगर मैं भस्म हो गया तो, कुछ नहीं होता, सब आराम से हो जाता है, ठीक है जी। पर इसकी लेकिन प्रिपरेशन आज से शुरू करिए, आज शाम को आपको 7:18 के बाद आपको कुछ नहीं खाना है और आप मंगल आरती के पहले तक जल पी सकते हैं, उसके बाद उससे लेकर के अगले दिन तक सूर्योदय तक फिर ये एकादशी का व्रत चलेगा। लेकिन जितना स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब रहेंगे उतना आराम से बीत जाता है फास्ट, वैसे हुआ मचा के रखा हुआ है, शाम का थोड़ा समय है वो थोड़ा धीरे धीरे बीतता है शाम का समय, अदरवाइज जय राधे श्याम, शाम का समय भी बीत जाता है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। सो पांडव निर्जला एकादशी की जय।